बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी और इतने आसान तरीके से बताऊँगी आपको कि कोई भी इसे आसानी के साथ बना सकेगा और इंशाल्लाह ताला इतना जायकेदार और इतना टेस्टी बनेगा कि जो हम शादियों में स्टीम रोस्ट खाते हैं या कि रेस्टोरेंट में बनता है उससे कहीं ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको धोने का तरीका बताऊं और उसके बाद इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा तरीका बताती रहूँगी। आप मेरे साथ रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, ये तकरीबन किलो के करीब करीब है, एक किलो ही था तकरीबन। तो उसके लिए सबसे पहले हाफ कप जो है हम इसके अंदर विनीगर ऐड करेंगे। सफ़ेद जो खाने का सिरका होता है हर घर में मौजूद होता है वो हम डाल देंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे और इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। विनीगर डालने का हमारा ये एक तो होता है, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो चिकन की एक मखसूस स्मेल होती है जो बिल्कुल नहीं जाती, और दूसरा ये होता है जो चिकन में स्टिकनेस होती है वो विनीगर से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और टेंडर हो जाता है। इससे हमारा जो मतलब रेसिपी है वो बहुत अच्छे तरीके से बन पाती है। चलिए इसे थोड़ा सा हल करेंगे। इसको हम 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देते हैं, उसके बाद इसे वॉश करने के बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया 15 मिनट विनीगर और नमक वाले पानी में रख के। अब इसमें से बिल्कुल इसकी स्मेल देखें ख़त्म हो गई है और जितना इसमें ब्लड वगैरह होता है और मतलब जिस तरह खून जमा होता है यहाँ पर वो देखें, ये बिल्कुल हमारा चिकन क्लीन हो गया। देखें माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया। अब हम इसको कट लगा लेते हैं मैरिनेट करने से पहले। इस तरीके से ये जोड़ होता है ना, इधर आप जोड़ को भी ज़रूर लगाया करें ताकि यहाँ भी अच्छा तरीके से वो लग जाए। इस तरीके से डीप कट लगा लें, इस तरीके से इधर भी, इस तरीके से हम दूसरे जो है पीसीज हैं उनको भी कर लेते हैं। इस तरीके से हमने पीसीज को डीप कट कर लिए ताकि जब हम इसे मैरिनेट करें तो अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर लग सके। चलिए अब अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया कढ़ाई में, हम एक एक करके इसके अंदर पीस को ऐड करेंगे। हाई फ्लेम पर बस 5-5 मिनट तक हमने इसको पकाना है, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए इस तरीके से इनको मैंने ऑयल में 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इनको थोड़ा सा मतलब चिकन का कलर वाइट हो गया, थोड़ा सा इनको हल्का सा फ्राई किया। अब ये देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया। अब चलें इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। 4 चम्मच यहाँ पर मैंने दही ले लिए और अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसके अंदर ड्राई भी डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट ड्राई भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच इसका खाने का हम हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक टिक्का मसाला, 1/2 खाने का चम्मच वाइट पेपर, 1/2 खाने का चम्मच ये है ब्लैक पेपर। नमक डालेंगे तकरीबन 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा या अपने टेस्ट के मुताबिक। ये लेमन जूस है, लेमन जूस हम 2 चम्मच लेमन। देखिए ये है चाइनीज सॉल्ट, अगर आप ये डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालूंगी और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम फूड कलर, 1-2 ड्रॉप डालेंगे। आप ड्राई फूड कलर भी डाल सकते हैं और 2 चम्मच हम इसके अंदर तकरीबन सोया सॉस डालेंगे। इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं।
यहाँ सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, इसमें अब थोड़ा सा हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। चलिए आप ये लेग पीस उठाते हैं और अच्छे तरीके से इनके ऊपर लगा देते हैं मसाला। इस तरह इनके डीप कट्स जो हमने लगाए हैं इसके अंदर अच्छे तरीके से सारा मसाला हम इसके अंदर लगा देते हैं। देखिए अच्छे तरीके से इन सारे लेग पीस पर मसाला अच्छे तरीके से हमने कोट कर दिया। ये इनके जो अंदर कट्स लगे थे वहाँ भी अच्छे तरीके से लगाया है। चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब चलिए इसके पकाने वाले मरहले की तरफ चलते हैं, इसे किस तरीके से हम स्टीम करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। अब हम इसके मैरिनेटेड जो हमारे पीसीज हैं इनको इसके अंदर रखते जाएंगे। इस तरीके से रखें ताकि सारे पूरे आ जाएं। अब इसका जितना भी ये मसाला है ये हम इनके ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से पीसीज डाल के इसका हम कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पर फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है और हम इसे कम से कम 15 मिनट एक साइड से पकाएंगे, फिर 15 मिनट बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब 15 मिनट हो गया तकरीबन, इनकी हम साइडें चेंज कर रहे हैं। देखिए अब इससे कितना खूबसूरत कलर आने लग गया, इसे इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। तकरीबन 35 मिनट इसे लो फ्लेम पर मैंने पकाया। चलिए अब इसकी कंडीशन देखते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ हमारा स्टीम रोस्ट। और चलिए अब इसे हम डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारा स्टीम रोस्ट चिकन तैयार है और ये देखिए इतने अच्छे से कुक हुआ है कि ये देखिए ये हड्डियाँ उसने गोश्त ने छोड़ दी हैं आपको। चलिए मैं अब इसे आपको थोड़ा सा तोड़ कर भी दिखाती हूँ। कितने अच्छे तरीके से माशाल्लाह कुक हुआ है। चलिए इसका मैं टेस्ट करके देखूं जरा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़े का, सॉफ्ट और जूसी। जो मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप के आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी और ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।